हेलो वेलकम बैक बेसिन फॉर फैमिली। मैं अरविंद मिश्रा आपके बीच आज फिर आया हूँ। हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ नए और कुछ अच्छी चीज जो आज की डेट में हमारे यूजर्स को चाहिए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, कुछ लोग एंड यूज ढूंढते हैं। हम लेके आए हैं आज एंड यूज पर्पज, जिसके लिए लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस तो आपको मल्टीपल मिलते रहेंगे, बट एंड यूज के ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज, जिसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिस्ट करूंगा। आप उनमें से जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है शमशारा होम। शमशारा होम्स आपकी 4.5 एकड़ का लैंड पैक, जो सुशांत गोल्फ सिटी में आपका प्रोजेक्ट आता है। ये प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 74 नंबर्स ऑफ यूनिट में है। रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, एनडीए अप्रूव्ड है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाइड है और इनफैक्ट मिल भी चुका है अब हमें। तो अगर आप प्लॉट देख रहे हैं कहीं भी एक अच्छी लोकेशन में, इसकी रीचेबिलिटी सुल्तानपुर रोड से काफी अच्छी है। अगर आप मेन अंसल से बात करते हैं, मेन अंसल शहीद पथ चौराहे से, तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको मिलेगा वहां से। बट सुल्तानपुर रोड से एक अच्छी कनेक्टिविटी और एक अच्छा लोकेशन एडवांटेज आपको मिल जाता है। इसमें जो प्रोडक्ट रेंजिंग है वो आपके 1200 स्क्वायर फीट से लेके 1500, 1600, 2000 तक के साइज के वेरिएंट से आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो 50,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट यहाँ पे चल रहा है आज की डेट में। बट फिर भी अगर आप चाहेंगे तो इसमें कुछ प्री लॉन्च डिस्काउंट्स और कुछ प्री लॉन्च ऑफर्स चल रहे हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। तो ये रही शमशारा की बात। अब हम बढ़ते अपने दूसरे प्रोजेक्ट, जो एक और अंसल में ही आया हुआ प्लॉटिंग है, दैट इज ओकस इनक्लेव। ओकस इनक्लेव जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर आई में पड़ता है आपका अंसल में, जो लुलू मॉल के बगल से एक रास्ता गया हुआ है। वहां से आप आगे जाएंगे तो आपको एक राइट टर्न लेना होता है जहां पे डेड एंड आता है। फिर आप जाते हो तो तुलसियानी गोल्फ व्यू, आपके जो टावर्स बने हुए हैं उसके जस्ट बगल में 45 मीटर की रोड आपको कनेक्ट कराती है। सामने 30 मीटर की रोड है आपके। डबल साइडेड ओपन प्रोजेक्ट है, काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 6.5 एकड़ में डेवलप किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 114 यूनिट्स हैं। 1200 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट, 1700 स्क्वायर फीट के वेरियस साइजेस हैं। अच्छी कम्युनिटी है, वेल इक्विप्ड है, वेल मेंटेन्ड है और इसका प्रदर्शन जो है वो आने वाले 6 से 7 महीने के टाइम रेंज में आपको मिल जाएगा। ये सारे प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी इससे पहले शमशारा बताया, मैं ओकस बता रहा हूं, ये सारे प्रोजेक्ट एंड यूज पर्पज के लिए हम रिकमेंड करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम इतना नहीं करते हैं, बट हाँ डाउन दी लाइन अगर आप एक लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो हाँ इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, क्योंकि अभी जो कॉस्टिंग है वो इन्फ्लेट होगी है एज ऑफ रियल एस्टेट। जितना भी एप्रिसिएशन उसको मिलना होगा मिलता रहेगा, बट अगर आज डेट में देखते हैं तो वो एंड यूज प्रोस्पेक्ट से ही हम उसको देखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ, जो है ओकस रेसिडेंसी। ओकस रेसिडेंसी अगर नॉर्मली मुझे लगता है सबने सुन रखा ही होगा। ओकस रेजिडेंसी बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। उसमें लगभग 5 टावर्स डेवलप किए जा रहे थे अभी जो इनिशियल उस पे हैं, प्लस 2 टावर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओकस इज अ कंपनी जहां पे आप अगर बात करते हैं तो वहां पे आपको जो है कंस्ट्रक्शन करने के बाद जहां पे पोजीशन टाइम ड्यूरेशन 6 से 8 महीना बचता है तब वो उसको सेल पे लाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर पहले हसल फील कर रहा था इस चीज को कि प्रोजेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि क्या टाइमिंग डिलीवरी होगी, डिलीवरी होगी या नहीं होगी, वो सारी चीजों को ओवरकम करते हुए ओकस एक ऐसा ब्रांड आ रहा है जो आपको हमेशा पोजीशन के नियर अबाउट पहुंचने के बाद ही सेल ओपन करता है। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट की हम जो बात कर रहे हैं वो ओकस रेजिडेंसी है। अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट है, 2 और 3 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं, जिसकी कॉस्टिंग आपकी लगभग 60 से 65 लाख के बीच में 2 BHK और लगभग 78 से 82 लाख रुपीज के बीच में आपका जो है 3 BHK कॉस्टिंग आती है। 2 BHK 1232 से लेके 1292 के साइज के बीच में वेरी करता है, मल्टीपल ऑप्शंस उसमें आपको मिल सकते हैं। 3 BHK जो है वो 1488 स्क्वायर फीट का है, जिसमें सिंगल एक ऑप्शन है, आप उसको देख सकते हैं। 2 BHK जो है वो इनके जो अभी रनिंग टावर है इनका उसमें खत्म हो चुका है, सिर्फ 3 BHK के ऑप्शंस बचे हुए हैं। जो इनका अपकमिंग टावर है जो अभी लॉन्च होगा लगभग 1 से 1.5 साल बाद, जिसका काम चल रहा है आज की डेट में, उसमें अगर हम बात करते तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बट दैट इज नॉट ओपन फॉर सेल, वो हमें बाद में ही मिलेगा। तो 3 BHK अगर आप किसी भी कम्युनिटी में देख रहे हैं, अंसल जैसी कम्युनिटी में एक अच्छी लोकेशन एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे, तो 80 लाख रुपए में 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन अगर आप एंड यूज प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रोजेक्ट की तरफ, ओरो एलिमेंट्स।
हालांकि आप लोगों ने सबने ओरो का नाम सुन ही रखा होगा, काफी अच्छा डिलीवरी टाइम है उनका, काफी अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सारी चीजें और ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं ओरो एलिमेंट 2019 में शुरू हुआ था, आज डेट में वो 25 से पहुंच चुका है। 2 और 3 BHK के ऑप्शंस थे, 890 स्क्वायर फीट का अफोर्डेबल सेगमेंट का 2 BHK था, 1125 1090 का आपका जो है 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें। आज की डेट में हमारे पास 3 BHK के ऑप्शंस बचे हैं। जानकीपुरम एक्सटेंशन सेक्टर जे में यह आपका प्रोजेक्ट लगता है। ओरो सिटी एक 30 एकड़ की टाउनशिप थी जिसमें आज की डेट में लोग रह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने प्लॉट एंड विला 2020 में डिलीवर कर दिया था। तो आज की डेट में एक वेल ऑक्यूपाइड टाउनशिप है, सारी चीजें रनिंग कंडीशन में है। उसमें अगर आप देखते हैं तो 3 BHK के ऑप्शन 50 लाख रुपए में आपको मिल सकते हैं। एंड यूज प्रोस्पेक्ट से अगर आप देख रहे हैं तो ओरो एलिमेंट्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप अपने नजरों में रख सकते हैं एज एन अफोर्डेबल सेगमेंट। उसके अलावा जैसा मैंने बात की अभी, ओकस शमशारा इनक्लेव, ओकस इनक्लेव, ये तीनों ऑप्शन जो है, ये सारे आपके जो है एंड यूज प्रोस्पेक्ट अगर हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छे और इस समय मार्केट में रनिंग प्रोडक्ट्स हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक बार दोबारा आपके पास वापस आएंगे कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन, कुछ बेहतर न्यूज के साथ। थैंक यू। साइनिंग ऑफ अर्पित मिश्रा, बेस इंफ्रा सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी से ही दिलाएंगे हमें।